गुलबर्गा शहर के एम एस के मिल गालिब कॉलोनी में रजा इंटरप्राइजेस गिफ्ट सेंटर एंड लेडीज कॉर्नर और इस्लामिक घर का ग्रैंड इनोग्रेशन गुलबर्गा साउथ एमएलए आलमप्रभु पाटिल के हाथों किया गया है। इस मौके पर नासिर हुसैन उस्ताद, फराजुल इस्लाम, रहीमुल्ला, जुबैरुल्ला खान, नौशाद अली, सज्जाद अली इनामदार, शेख हुसैन, असलम बाजे, रफीउद्दीन बाग और दीगर कई सियासी गैर सियासी लीडर्स यहाँ मौजूद थे। पिछले 20 सालों से एम एस के मिल के गालिब कॉलोनी में रजा गिफ्ट सेंटर चल रहा है और अब इसको एक्सटेंड कर रजा इंटरप्राइजेस के नाम से इनोग्रेशन किया गया है, जहां आपको तमाम टेलरिंग मटेरियल्स, स्टेशनरी, टॉयज, स्कूल प्रोजेक्ट के अलावा खासकर इस्लामिक बुक और दीगर सभी इस्लामिक आइटम्स यहां अवेलेबल मिलेंगे। इस इनोग्रेशन के मौके पर सभी मेहमानों ने रजा इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद अमजद हुसैन रजा को मुबारकबाद पेश की है। अमजद हुसैन रजा ने सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर इस इनोग्रेशन से जुड़ी तमाम डिटेल बताई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर आप गुलबर्गा एम एस के मिल गालिब कॉलोनी दारुल उलूम हुसैनिया मस्जिद के करीब मौजूद रजा इंटरप्राइजेस को विजिट कर सकते हैं। एम एस के मिल में बड़ा एक गिफ्ट सेंटर एंड लेडीज कॉर्नर एंड इस्लामिक का लाइब्रेरी, ये चारों का इधर ओपनिंग हम बहुत खुशी से कर रहे हैं। क्यों बोल तो यहाँ से ये पूरा आइटम मिलना बोले तो सुपर मार्केट जाना पड़ता था, इसलिए यहाँ से 8-10 किलोमीटर कम हो गए लोगों को, इधर से इधर आके लोगों को बेनिफिट होता। और पूरे बच्चों के लिए भी पूरा किताब सेंटर है, यहाँ जनरल स्टोर भी है, ये किताब का सब सब पूरा पेन गेन सब मिलता है। और किड्स सेंटर है, गिफ्ट सेंटर है, जिसको भी गिफ्ट करना बोले तो इमीडिएट आके 2 मिनट में आके गिफ्ट लेके जाते। ऐसे एक गिफ्ट सेंटर एंड लेडीज कॉर्नर, इस्लामिक लाइब्रेरी, ये सब का ओपनिंग हम बहुत खुशी से कर रहे हैं। इसमें ओपनिंग में हमारे जनाब शेख हुसैन साहब है, जनाब अजीम पटेल साहब, जनाब मोहम्मद इमरान साहब भी है, जनाब हमारे अजहर कमल भी है, जनाब सद्दाम हुसैन भी है, जनाब जीवन कमल भी है और हमारे जनाब मजहर अहमद लड़की, पूरे बड़े सीनियर लोग भी इधर जमा हुए। तमाम लोगों मिल के ये बड़ा भगवान से प्रार्थना करना है, लोगों को भी हम प्रार्थना करते हैं, नहीं नजदीक बाजू ये दुकान शॉप में आपका विप्लाइज करिए, आपको वहाँ दूर जाने की जरूरत नहीं। ऑटो साइकिल मोटर पेट्रोल भी बचता, डीजल भी बचता, ऑटो खर्चे भी बचता, यहाँ से सब पूरे सब तरफ आपको मिलते, इसका इस्तेमाल करिए। इतना मैंने खुशी से इसका ओपनिंग करी। आज गुलबर्गा एम एस के मिल के अंदर रजा गिफ्ट सेंटर लेडीज कॉर्नर एंड किताब घर की इफ्तिताह हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अमजद साहब को, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कुशादा यहाँ पर एक स्टॉल यहाँ पर इफ्तिताह किए हैं। इससे पहले उनकी और एक यूनिट यहीं पे थी। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि गिफ्ट सेंटर्स तोहफे देना और लेना हमारी एक पहचान रही है और इसी पहचान को लेकर के इस नाम पर जो दुकान यहाँ पर खुली है, जिसमें किताबों को भी यहाँ पर रखा गया है, इस्लामी किताबों को, मैं समझता हूँ कि ये
बहुत ही बेहतरीन नज़म है, जहाँ पर हम लोग हमारी उस कल्चर को, उस अपनी तारीख को भूल गए हैं, जहाँ पर हम तोहफे दिया करते थे, और वो भी इस्लामी किताबों के तोहफा देना मैं समझता हूँ कि ये सबसे उम्दा तोहफा है। और नौजवान बच्चों के लिए ये वक्त की ज़रूरत है कि हम हमारी तारीख को जानें, अपनी तारीख को पहचानें और हुस्न सुलूक के साथ, मोहब्बत के साथ दुनिया में रहें, शान से रहें, इज्जत से रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो है अमजद साहब किए हैं। मैं अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह सुबहाना ताला इनके इस कारोबार में बरकत दे, और एम एस के मिल जनानाबाद, मदीना कॉलोनी, शांति नगर, विद्यानगर, और आपके तमाम व्यूवर से मैं अपील करता हूँ कि एक बार यहाँ पर किसी भी दावत में अगर आप जा रहे हैं, तोहफा देने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आपको एक ऐसा तोहफा मिलेगा जिससे जो है सामने वाले भी मुतासिर होगा और उसको उसकी बहुत ही उस तोहफे का इस्तेमाल जो है सही तरीके से होगा। आज रज़ा इंटरप्राइजेस गिफ्ट सेंटर एंड लेडीज़ कॉर्नर जिलानाबाद में जो 20 साल से यहाँ पर शॉप थी, अब उसे रेनोवेट करके हमारे अमजद हुसैन साहब ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेनोवेशन किया है। तो मैं मेरी आवाम से गुजारिश करता हूँ, एक बार आकर देखिए। और जैसे कि मुझे तमाम एरिया के जिम्मेदार बता रहे थे कि आप लोग कंटिन्यूस सोशल वर्क में लगे हुए हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको और ये चीज़ में आगे बढ़ाए सोशल वर्क में। और तमाम लोग यहाँ पर जो आए हैं, तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारे बाजे साहब है, हमारे ख्वाजा हुसैन साहब है, जब्बार हुसैन साहब है, हमारे शेख साहब हैं, शब्बीर साहब हैं, ताहिर भाई है, इमरान भाई है, इमरान रजवी साहब है, हमारे खलीफा साहब है, तमाम हमारे रफीउद्दीन बाग साहब हैं, तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे। आज यहाँ पर हमारे भाई साहब जनाब ख्वाजा हुसैन साहब, जनाब अब्दुल जब्बार हुसैन साहब, हाफिज मोहम्मद जिलानी साहब और हमारे अमजद साहब, इन्होंने यहाँ पर जो दीन और दुनिया की जो खिदमत कर रहे हैं कई सालों से, कदीम एक 20-25 साल से, रजा स्टोर्स जो है ना एमएसके मिल जिनानाबाद के, ये 50-60 हजार के जो अवाम का बेल्ट है, इसमें जो है ना ये पॉपुलर है। यहाँ पर स्टेशनरी के साथ साथ तमाम जो ये घरेलू जरूरियात के चीज़ों के साथ साज़ो सामान के साथ कुरान शरीफ मिलती है, जान नमाजें मिलती हैं, हदीस शरीफ मिलते हैं, दीनी किताब मिलते हैं, बच्चों के कायदे मिलते हैं, यानी अरबी में जो भी चाहिए इस्लामी जो है ना तालीम के लिए सारी चीज़ यहाँ पर मिलती है। इसलिए इनको और डबल मुबारकबाद देना है, यू नो, क्योंकि दो टू वे काम कर रहे हैं, सिर्फ फायदे के लिए नहीं, कौम की खिदमत और इस्लाम को, लोगों को जो है ना इस्लामी रास्ता बताने के लिए जो काम कर रहे हैं, यह बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि हमको पहले कहाँ ढूंढते जाना पड़ता था दरगाह एरिया में, वहाँ भी एक दो दुकान थे कहीं, तो आज हर चीज यहाँ मिलती है, वहाँ के लोग यहाँ आके ले जैसा, ऐसा ये रजा अकाडमी वालों का इंतजाम है। इसलिए और एक बार मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, सारे यहाँ के कौम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे दोस्त मोहम्मद अमजद जिलानाबाद के अंदर काफी सालों से रजा गिफ्ट सेंटर जिलानाबाद की तमाम अवाम जानती है, इनके पास सुई से लेकर सुबह मिलता है, इनके पास हर मिजाज की हर सामान यहाँ पर लेडीज़ कॉर्नर के जरिए से हर सामान यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर हमारे माँ बहन ख़वातीन अमजद रजा गिफ्ट सेंटर जिलानाबाद में एक मशहूर ये दुकान है। यहाँ पर किताब घर भी, रजा गिफ्ट सेंटर नाम से किताब घर भी है यहाँ पर, और दीनी किताबों का भी यहाँ पर बहुत एक ज़खीरा है, यहाँ पर दीनी किताबें मिलते हैं। मैं जिलानाबाद की तमाम अवाम से और तमाम यहाँ पर हीरापुर डबराबाद ये तमाम यहाँ के देहात के लोग भी आकर इनके पास से सामान खरीदते हैं। मैं तमाम जिलानाबाद के अवाम से अपील और गुजारिश करता हूँ, क्योंकि रजा गिफ्ट सेंटर एक सालों से आपकी खिदमत में यहाँ पर अमजद भाई सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पर आकर अमजद साहब की इनके कारोबार में खैर अल्लाह ताला से दुआ गो, इनके कारोबार में खैर बरकत दें दे।
शिविर तागा हर एक चीज से हमको जिलानाबाद में सहूलत दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी सहूलत देते रहेंगे। ऐसी हमको सुपरमार्केट या कहीं दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तमाम लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अमजद साहब का इतनी बड़ा शॉप खोलकर जिलानाबाद के आवाम को सहूलत दे रहा है। आज MS के जिलानाबाद में एक रजा गिफ्ट सेंटर जो मुसलसिल मैं समझता हूँ 15-20 सालों से यहाँ पे हमारे अमजद रजा साहब रजा गिफ्ट सेंटर चला रहे हैं, आज उसी कारोबार को बढ़ाते हुए आज एक नए जो है ना शॉप का ओपनिंग किया गया है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जो तोगरे हैं और लेडीज़ के लिए कॉस्मेटिक सेंटर हैं और तमाम जो हर चीज़ जो गिफ्ट सेंटर और यहाँ पे दूसरी जो है ना इस्लामी किताब घर के तौर पे भी जो है ना यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है जिसमें हमारे गुलबर्गा जुनूब के MLA साहब आलम प्रभु साहब के हाथों ये इफ्तिताह अमल में आया है। मैं ख़ासकर जनाब अलहाज हमारे ख्वाजा हुसैन साहब जो इस ओनर शॉप के ओनर हैं और उनके फर्जन अमजद रजा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस हलाल कमाई में अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए और जिलानाबाद के अवाम से खासकर खवातीन से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह आप रजा गिफ्ट सेंटर को हमेशा जो है ना सपोर्ट किए हैं 15-20 सालों से, आज आपके लिए और एक नया कॉन्सेप्ट के तौर पर जो है ना एक सत्ता हुआ है, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे आए और यहाँ पे आपके हर जो है ना साजो सामान आपको जो है ना मिलेंगे और फिर एक बार आप तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब अमजद रजा साहब ख्वाजा हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो और तरक्की करें क्योंकि पहला जिलानाबाद में पहली मरतबा रजा गिफ्ट सेंटर के नाम से दीनी किताबों का जो है ना यहाँ पे इफ्तिताह अमल में आया था और इनके नाम से ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान की अवाम जो अहमद रजा खान साहब के फॉलोअर हैं ज्यादा से ज्यादा उस नाम की बरकत से इन्होंने आज तरक्की पर तरक्की की है। आज यहाँ जिलानाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर कोई छोटी सी दुकान से बढ़ा के इन्होंने जो है ना बड़े कॉम्प्लेक्स में अपना इफ्तिताह अमल में किया है जिसमें हमारे जुनूब के MLA साहब आलम प्रभु साहब ने भरपूर हिस्सा लेकर यहाँ इफ्तिताह में हाजिर हुए हैं और यहाँ के कारपोरेटर और एक्स कारपोरेटर और मोहल्ले के मौजूदीन ने जो ताउन किया है और आगे आवाम से ताउन करने की अपील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिलानाबाद में आला से आला गिफ्ट सेंटर का ये पहला दुकान है जिसमें जिलानाबाद के अवाम को यहाँ से इस्तफादा करते हुए इनकी तरक्की में जो है ना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि सब तमाम लोग यहाँ पे आए हैं मेरे लिए, राजा इस्लाम साहब और MLA आलम प्रभु साहब और दिगर शेख हुसैन साहब और इस्लामाबाद के और जितने भी दिगर हमारे सज्जाद अली साहब अब्दुल रहमान सेठ जो लोग आके मेरे दिली खुशी पर इजहार किए। मेरा अभी एक ये है कि मैं भी अच्छा तमाम लोगों को एक अच्छी दुकान का रजा इंटरप्राइज का शुरू करे हैं, पहले से ही हम 20 साल से खिदमत कर रहे हैं रजा गिफ्ट सेंटर है, अब नया हम रजा इंटरप्राइज करके अब जना को इसमें मोहल्ले में सहूलत अदा किए हैं, जैसा कि लेडीज कॉर्नर है, गिफ्ट सेंटर है, टॉयस वगैरह है, रजा किताब घर है हमारा यहाँ पे, उसमें इस्लामी बुक्स है, इस्लामिक आइटम्स है, सब यहाँ पे एक जगह आपको दस्तियाब होंगे यहाँ पे जी। ये रजा इंटरप्राइज ये नया जो ओपन हुआ, पहले ही मैं 20 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ उसको नया इसको ये कर रहा हूँ और तब्दीली लाया हूँ उसमें। ये जो पठान कॉम्प्लेक्स नजद दारुल मुस्लिम मस्जिद है यहाँ पे, इसके अपोजिट में पठान कॉम्प्लेक्स रजा इंटरप्राइज एंड गिफ्ट सेंटर एंड लेडीज कॉर्नर MS के मिल जनाबाद गुजरात।